जैन दोस्तों, मेरा नाम है जगदेव कुमार और हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी मैं बालोद के बस स्टैंड में हूँ और यहाँ पर भारत माता की विशाल मूर्ति यहाँ पर स्थापित किया गया है और अभी जो बस स्टैंड है अभी खाली खाली नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, अभी हम लोग जाने वाले हैं जलेश्वर महादेव मंदिर, जो अभी बालोद में है। यहाँ बस स्टैंड से आप लोगों को 1 किलोमीटर की दूरी में पड़ेगा। तो चलिए आपको ले जाते हैं जलेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ पे तालाब पे शिवलिंग स्थापित किया गया है, जो कि वहाँ पर भक्तजन बहुत लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए। तो आप लोगों को भी यहाँ वहाँ दिखाने के लिए ले चलते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं जलेश्वर महादेव मंदिर दसंधी तालाब बालोद और मेरे साथ आए हैं राजू और जयंत। तो अभी हम लोग वहां पर जाएंगे, देखेंगे और दर्शन भी करेंगे और आप लोगों को भी करवाएंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए कृपया जूता चप्पल यहाँ रखें। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें अपने जूते और चप्पल को रखना पड़ेगा और जलेश्वर महादेव यहाँ पर तालाब के बीचों बीच बनाया गया है दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और वहाँ पर नहाने का भी व्यवस्था है, आप यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ पर स्नान भी कर सकते हैं। तो तालाब के बीचों बीच बनाया गया है, बहुत ही सुंदर। और मेरे दोस्त लोग आगे चले गए हैं और मैं अभी पीछे हूँ। तो चलिए दोस्तों, आप आगे जाते हैं और दर्शन करते हैं और आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। तो आप लोगों को सामने में मिल जाएगा, अभी लॉक है, ये पुजारी जी का रूम है और आपको यहाँ पर पेड़ पौधे भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही देखने का सुंदर नज़ारा है और यहाँ पर छोटी छोटी मछली भी बहुत तादाद में हैं। जलेश्वर महादेव मंदिर दसौंधी तालाब, इस तालाब का नाम है दोस्तों दसौंधी तालाब। और ये सावन के महीने में बहुत भीड़ लगा होता है यहाँ पे। अभी नवरात्रि में भी हम लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। आप लोगों को जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ से दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों शिवलिंग भगवान, यहाँ पे शिवलिंग। ज़बरदस्त यहाँ पर विशाल नंदी जी, दान पेटी भी यहाँ पर है, आप अपने स्वेच्छा अनुसार इस दान पेटी में दान कर सकते हैं। और ये रहा दोस्तों सबसे बड़ा बालोद का शिवलिंग, जो कि शिवरात्रि में बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहता है यहाँ पे। और वहाँ पे बैठने के लिए भी यहाँ पर देखने के लिए बनाया है, जो कि मेरे दोस्त लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप बड़े बड़े मछली भी देखने को मिलेगा, आपको कमल फूल यहाँ पर देखने को मिलेगा,
आपको बस इसी घेरे के अंदर आपको कमल फूल देखने को मिलेगा, बाकी जगह सभी साफ सफाई यहाँ पर की व्यवस्था किया गया है। तो चलिए एक राउंड मार लेते हैं। ऐसे कोई भी यहाँ पर श्रद्धालुगण आते हैं तो ऐसे राउंड लगा के ऐसे एग्जिट हो जाते हैं वहाँ से, ठीक है। ऐसे आते हैं, दर्शन करते हैं, उसके बाद यहाँ से दोस्तों यहाँ पे रात्रि में आते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। यहाँ पर लाइट का भी व्यवस्था है और यहाँ पर बेल्स सभी इसमें बेल्स लगाया गया है। तालाब को कितना मतलब सुंदर एक प्रकार से नज़ारा दिया गया है। आप यहाँ सुबह सुबह अगर यहाँ के निवासी हो तो दर्शन भी हो जाता है, पूजा पाठ भी हो जाता है और यहाँ से दिन की शुरुआत जो अच्छा होता है यहाँ से बहुत ही अच्छा लगता होगा, जैसे कि देख सकते हैं। तो अगर आप आना चाहते हो तो आप आ सकते हो। ये बालोद के बीच में है, गंजपारा बालोद में आपको मिल जाएगा। किसी से भी आप पूछते हो तो आप लोगों को बता देंगे आसानी से जलेश्वर महादेव दसौंधी तालाब कहाँ है इस करके। तो हम लोग बालोद आते हैं तो टाइम मिलता है तो यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों। और यहाँ पर घेरा बनाया गया है, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर नीचे में कलर भी किया गया है दोस्तों, जो कि ग्रीन कलर है, आप आ सकते हैं। और यहाँ पर जो कमल फूल है देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखने के लिए भी बनाया गया है और यहाँ से पास से देखने का कुछ अलग ही नज़ारा है। तो दोस्तों हमारा एक चक्कर हो गया है और यहाँ से आप बाहर जाना चाहते हैं तो बाहर जा सकते हो। दोस्तों ये वीडियो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ यहाँ आइए दोस्तों घूमने के लिए। साथ ही साथ आपको शिवलिंग का दर्शन भी हो जाएगा। और बालोद आते हैं तो यहाँ पर एक बार ज़रूर आकर देखें दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों यहाँ पर आकर। तो फिलहाल हम अभी जा रहे हैं वापस। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर की ओर, तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे घूम के। दोस्तों मैं यहाँ पर बहुत बार आ चुका हूँ जलेश्वर महादेव मंदिर पे और मेरे साथ पहले बार आया है जयंत कोमा। तो उससे पूछते हैं कि इस मंदिर पे आकर कैसा लगा। और तो बताइए जी कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर। बहुत अच्छा लगा, पहली बार आया हूँ, नहीं देखा था, बस दोस्तों लोग फोटो शेयर करते थे वहीं से देखा था। पहली बार आके लाइव देखा हूँ, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा सभी गांव का होना चाहिए सौंदर्यीकरण, ऐसे तालाब का एक तालाब का बस नाम है दसौंधी तालाब और उसमें जलेश्वर महादेव मंदिर को बनाया गया है। और अगर आप लोग आना चाहते हो यहाँ पे नवरात्रि पे हो या शिवरात्रि पे हो या सावन के महीने में हो तो आप लोग आ सकते हो दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है। कहीं भी मंदिर पे जाने से मन को जो शांति का अनुभव होता है वो कहीं नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।